नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन को स्किन की प्रॉब्लम से दूर कैसे रखा जा सकता है। हम सभी को पता है कि अक्सर हमारे स्किन पर बहुत सारी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि रिंकल, पिंपल, एक्ने और झुर्रियां, या फिर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम, या फिर पिगमेंटेशन भी। और इन सब की वजह से हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी या फिर कुछ सजेशन दूंगी। अगर इन्हें आप हमेशा फॉलो करेंगे तो आपको एक भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्किन भी हमेशा हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। तो वो उपाय कौन से हैं, वो सजेशन कौन से हैं, चलो आज मैं आपको बताती हूँ। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बाजू में एक बेल आइकन बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने की वजह से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने शरीर में पानी का सेवन करेंगे उतना ही आपकी स्किन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पानी जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेटेड रखती है और हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें भी शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। साथ ही साथ पानी जो है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करती है। इसकी वजह से हमारा जो शरीर है एकदम साफ रहता है। तो इसलिए दोस्तों, दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कोई भी चीज जैसे सोप, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम या कोई भी चीज है, इन सबको अपनी स्किन के टाइप के अनुसार ही यूज करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स है उन्हें ही इस्तेमाल करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स है उन्हें इस्तेमाल करें। अगर आप ऑयली स्किन के लिए ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो खराब हो जाएगी। इसलिए अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से ही अपने स्किन के लिए प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप सभी को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्किन की क्लींजिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप बाहर से धूल मिट्टी से घर पर आए या फिर दिन में 2 बार भी, आपको अपने फेस को वॉश हमेशा करना चाहिए और फेस वॉश करने के लिए कोई अच्छा सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगी कि हफ्ते में 2 बार फेस स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से जितनी भी डेड स्किन सेल है वो आपकी स्किन से निकल जाएगी। और हफ्ते में 2 बार मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो स्किन है बहुत अच्छे से नरिश रहेगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप धूल मिट्टी में बाहर निकले या धूप में बाहर निकले तो अपने चेहरे पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। और जब भी आप बाहर धूप से घर पर आए तो अपने चेहरे को धोकर कोई अच्छी सी क्रीम लगा ले, जिसकी मदद से आपके चेहरे को ठंडक मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि आपको रात में सोने से पहले अपने कोई भी मेकअप के साथ नहीं सोना है, मेकअप को उतार के सोना है और सोने से पहले किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर को या फिर नाइट क्रीम को जरूर लगाना है। ऐसा करने से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस उपाय को, इस सजेशन को कभी मत भूलिए। साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगी कि जितना हो सके उतना हरी सब्जियां या फल खाइए और जंक और जो ऑयली फूड होते हैं उनसे बहुत दूर रहिए, क्योंकि इन सब की वजह से भी हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन में कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।